क्या होलिया बना रखा है? होलिया आंखें तो देखो, जैसे बरसों की बीमार हो। पगली, तेरी उम्र की लड़कियां तो हर वक्त धमा चौकड़ी मचाए रखती हैं। अच्छी फिर तुम ही, आप तो ऐसे ही ऐसी होती अच्छी भली। कहाँ रह गए थे इतनी देर? तुम और अब्बा कई बार तुमको पूछ चुके हैं। अम्मा, मैं तो कब का आ गया हूँ। देख, नौरीन ने मुझे खाना भी दे दिया। मेरी आग लग गई थी बेटा जरा। कुछ काम बना बेटा। नारियल का ऑपरेशन होना है। डॉक्टर कह रहा था कि अगर इस बार भी खुदा ना खासा। अम्मा, लाखों मन वही क्या लगा। मैं जा रहा हूँ। कहाँ की तैयारी? एक वैकेंसी है अब्बा। क्या फायदा, मिली भी तो छोड़ दोगी। कंस कर रहे हैं। औलाद जवान हो जाए तो माँ बाप की बातें तंग सी लगती है। और क्या कहूँ अब्बा, छलनी हो रहा है मेरा सीना। माँ की ठंडी आंखों से, नौरीन की वीरान नजरों से, और आप कह दो रुक क्यों गए, आपके नश्ता भरे जुमलों से। क्या जरूरत थी मुझे इतना पढ़ाने की? अगर मुझे क्लर्की करनी थी तो 10-12 जमातें पढ़ा दी होती। मैं किससे शिकवा करूं, किससे शिकायत करूं? मैं इतना पढ़ लिख कर भी बेरोजगार हूं, और वो बहुत से जाहिल लोग बड़ी बड़ी पोस्टों पे लगे हैं। करने से कुछ तो करना बेहतर है ना। शंकर यार, बाप की मजदूरी सब कैसे होगा, कैसे होगा मेरे बेटे? को जानते हैं? इसका नाम है फरजाना। अच्छा। अम्मी कहती हैं हमारी बड़ी बहन थी फरजाना, फिर अल्लाह मियां ने उसे अपने पास बुला लिया। अच्छा। इसलिए मैं अपनी गुड़िया को फरजाना कहती हूँ। पता है इसके अब्बू नहीं है। अच्छा। मेरे भी नहीं है। माफ कीजिए बेबी, जरा
मुझे भूख लगी है। नहीं बेटा, थैंक यू। अंकल आपको तो जोरों का बुखार है, अम्मी इसको बुखार है। नहीं नहीं, बच्ची को बहन है। नहीं नहीं अम्मी, थर्मामीटर लगा कर देखे। जरा देखी तो? मैंने कहा ना आपसे, इट्स ऑल राइट। आप फिक्र मत करें, मैं डॉक्टर हूँ। दिखाइए तो। तो खासा तेज टेम्परेचर है, कब से हरारत नहीं? बस मुझे रात नहीं आई। मैं आपको टैबलेट्स दे देती हूँ, आपने कुछ खाए? पहले कुछ खा लो, ये सैंडविचेस। ये दो टैबलेट पानी के साथ दे दीजिए। पानी लेकर आऊं? शाबाश। ये बच्ची तो अभी से डॉक्टर है। चले भाई चले, कराची की गाड़ी रवाना होने वाली है भाई। मुसाफिर अपने अपने सामान के साथ गाड़ी में बैठे भाई। अपने सामान की कुछ हिफाजत कीजिएगा, वरना मालिक जिम्मेदार नहीं होगा भाई। चले भाई चले चले। आप छोड़े पीछे, वो पीछे बैठे। मगर मैं अंकल के साथ बैठूंगी। बेटा आप, बेबी आप अच्छी बच्ची है ना, मैं देखे आपके बिल्कुल साथ ही बैठा हूँ। नहीं नहीं, मैं आपके साथ बैठूंगी वरना मैं नीचे उतर जाऊंगी। नहीं नहीं, अगर आप लोग एक साथ हैं तो मैं पीछे सीट पर बैठ जाता हूँ, आप आगे तशरीफ लाइए। आ जाए Thank you.
जरा खामोश रहना और वो लोग फिर टोनी ले जाएंगे। खुदा के वास्ते कुछ कर लो, मंगनी तोड़ना चाह रही है। वो बेचारे कब तक पंतों से बैठे रहेंगे। उन्होंने भाइयों के दिमाग में तुम्हारी शार चढ़ा दिया है। कहते हैं शादी के बाद दोनों को बाहर भिजवा देंगे। उन्हें की तरफदारी कर रही है। अब मैं क्या करूं? कुछ तो बोलो, क्या करूं? क्या करूं मैं? मैं जानती हूं घंटों में ही दम तोड़ देना। हम लोग
अलग अलग थी। मेरी दादा सब डॉक्टरों से देखने से माजरत चाहिए थी, मरती है सब इंतहाई खतरनाक, बहुत कंटीजियस, सिर छूने से लगता था। मेरे शोहर ने सबके मना करने के बावजूद उसका इलाज किया और क्या हुआ? करें मैं डॉक्टर हॉस्पिटल में फोन कर रहा हूँ। सिविल हॉस्पिटल फोन कर, यहाँ मैं यही हूँ। क्या हो गया था? कोई राहगीर था, चारा मारा गया। चारा? अरे रात के सन्नाटे में क्या कर रहा था? पता नहीं।
बैठो। खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो नहीं है, मुझे कुछ रकम चाहिए, बस इतनी सी बात। हाँ हाँ बोलो, कितने चाहिए? ये पटवा प्लीज जेब में रख लो। मतलब? मुझे 50,000 रुपये चाहिए। 50,000 रुपये? अगले हफ्ते नौरीन का ऑपरेशन है, मैंने मकान गिरवी रखने की पूरी कोशिश कर ली है लेकिन कोई बंदोबस्त नहीं हो सका। अगर 50,000 से, हाँ, ये नौरीन के ऑपरेशन और अस्पताल का खर्चा है, डॉक्टर कहता है कि वो अपनी फीस नहीं लेगा। वसीम तुम तो जानते हो, मैं तो बस तनख्वाहदार। मुझे पता है। फिर महफूज, तो तुम्हारा दोस्त है ना मलूका? क्या वसीम, पागल हो रहे हो तुम? मैंने हर तरह की कोशिश कर ली है, मुझे उम्मीद की किरण कहीं से नजर नहीं आती। माजूर बाप, बूढ़ी माँ, जवान बहन, सबकी निगाहों ने मेरा सीना चाक कर दिया है। अगर तुमने भी मेरी मदद ना की तो फिर एक ही रास्ता रह जाता है, खुदकुशी। वसीम, तुम शरीफों की औलाद हो, सफेद पोशों की कहो, जो अपनी पर्दादारी करते करते लहर में उतर जाते हैं लेकिन अपना चेहरा बेनकाब नहीं करते, मनो मिट्टी के नीचे सो जाते हैं। लॉरिन का ऑपरेशन कुछ दिनों बाद नहीं हो सकता? बहुत देर हो चुकी है, कोई चांस नहीं है। नहीं वसीम नहीं, ये मलोका जैसे लोग जिंदगियों के सौदागर हैं, अब कुछ भी हो जाए। और ये भी तो हो सकता है कि इस दफा वो हमें कोई और काम दे दे। अच्छा चलो। मेरी आंखें क्या देख रही हैं? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपकी तारीफ? ये है मेरे दोस्त वसीम। तशरीफ रखें। हाँ मैंने क्या सलाम? मेरे ख्याल से वसीम तुम खुद ही बता दो। मलूका साहब, बात यह कि तुम्हारे जैसे जहीन और साफ सुथरे लोगों की तलाश में तो हम रहते हैं। वो क्या कहते हैं, अंदर क्या चाहे? दो आंखें। मैं चलो। कहाँ जा रहे हो? तुम्हें जहां पहुंचना था पहुंच गए दोस्त। अब जो बात तुम दोनों में होगी ना मैं सुनना चाहता हूं और ना ही उस बात का गवाह बनूंगा। महफूज अली, कभी हमारे काम भी आ जाया करो, जैसे आज वसीम साहब के काम आए हो। अल्लाह मुझे महफूज ही रखे। खैर है भाई, खैर है। आओगे एक दिन, आओगे हमारे पास, जरूर आओगे, सभी आओगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरे दोस्त। जब तुम कराची की हदूद में दाखिल हो जाओ तो
आध घंटा पहले इस बटन को दबा देना। ठीक आध घंटे बाद ये एक जोरदार धमाके से फट जाएगा और बस हाँ, बैग ऐसी जगह रखना जहां ज्यादा से ज्यादा लोग बहुत ज्यादा जाने चले जाएंगे। बरखुरदार इसी के तो हमको दाम मिलते हैं। मतलब तुम, मेरा मतलब है आप भी किसी के लिए काम करते हैं। लो आगे लो क्या तो क्या ए भाई, जो कराता है वो सामने नहीं आता और जो करते हैं वो भी पर्देदारी में। अब मुझे करो, मेरा कैमरे का काम है। बैग आपका? जी। आप मेरे साथ जरा बाहर से चलें। बैग? क्यों? वो बाहर आपसे भी मुलाकात करना चाहता है। मुझसे? मुझसे कौन मुलाकात करेगा? मैं किसी को नहीं जानता। आपके हक में यही अच्छा है। हमारे यहाँ सब लोग सुनेंगे। चलें आप। चल, चलें। अपना वो नीला बैग भी तो उठा लें। ये है? हाँ जी। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? अभी पता चल जाएगा तेरा बैग किधर है। पम कितने गया? मैनू की पता है। हाँ जी, मुखबर ने नीले रंग का बैग करा था ना। हाँ जी, वो तो जा गड्डी से तलाशी लाओ, फिर होर नीला बैग करा था। नहीं है। माफ करे जी, हमें जरा मुगालता हो गया था। आप तशरीफ ले जा सकते हैं।
वो नीले बैग में कुछ बरामद नहीं हुआ, हमने बंदे को क्लियर कर दिया। ठीक है, और गाड़ियों को चेक कर। क्या से क्या एक तो आप सिक्योरिटी वालों से अल्लाह बच जी। आप खांसी थके थके और निठाल नजर आ, अभी एक घंटा है, आप थोड़ी देर सो के लिए तक सोए नहीं बेटा? बस माँ मैं किताब पढ़ रहा था। सच सच बताओ बेटे, तुम परेशान क्यों? कोई मसला है क्या? नहीं माँ, मसला तो कोई नहीं है, सब ठीक है। अच्छा, अरे हाँ, वो जो कमेटी कही थी तुमने पक्की है ना? हाँ माँ पक्की है, मैंने बात कर ली है उन लोगों से, मिल जाएगी सुबह। मगर सुबह तो 28 तारीख है माँ, अगला महीना शुरू होने में 2-3 दिन ही तो है, इंतजार कर ले। वो पहले को मुझे दे देंगे ना कमेटी? क्यों नहीं देंगे माँ, मैंने बात की है उनसे कि नौरीन का ऑपरेशन है, वादा किया उन्होंने मुझसे। पर बेटा, कमेटी के पैसों में तो नौरीन का ऑपरेशन ही सिर्फ होगा। माँ नौरीन का ऑपरेशन तो होने दे, शादी के लिए भी पैसे इकट्ठे कर लेंगे। सीता रे, सलामत रहे बेटा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। मकोड़ों की तरह मरते हैं, चल लोगों से उतनी आप कोई फर्क नहीं पड़ता। औलाद जवान हो जाए तो माँ बाप की बातें ठंडी लगती है। क्या बोल, तुम्हारी बीमार बहन और बाजूर बाप का इलाज करा देंगे? नहीं। क्या बीमारी? बीमारी सब बकवास। जमाना उसी का है, चुका सकता है छुपने वालों का अंजाम। पम 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 पम
आप कुछ परेशान हैं? जी नहीं, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर ये गाड़ी क्यों नहीं चल रही? पेट्रोल तो भर चुके हैं इसमें। लगता है कि आपको कराची जाने की बहुत जल्दी है। जी जी हाँ। आप कराची में कहाँ जाएंगी? गुलशन-ए-मेयार। गुलशन-ए-मेयार? तो फिर तो आपकी मंजिल समझे आ गई। तो और आपकी? कौन जाने कब आएगी। देखे बीते हो सैया को देखे
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात। मैं आप तमाम लोगों को पाकिस्तान टेलीविज़न के लाइसेंस की तकरीब तकसीम इनामात यानी दूसरी तकरीब तकसीम इनामात में खुशामदीद कहता हूँ। मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम लोगों को जिन्हें ये इनामात मिले हैं और जो दूर दराज इलाकों से अपने इनामात वसूल करने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। इस खाके में जो कुछ भी होगा जो आप देखेंगे उसमें तारीख दा हमसे कुछ ना पूछें। आपकी तालियां, तशरीफ ला रहे हैं सूनी महिवाल। तो फिर वादा निभाना होगा, तुझको आना होगा, ढंडन ढंड तुझको आना। कहाँ रह गए सोनी? पहुंची नहीं अभी तक? नहीं आना था बता देती, मैं रुकैया से कह देता। सोनी मेरी प्यारी सोनी, कहाँ रह गई थी तुम? क्या बताऊँ, बड़ी मुश्किलों से पहुंची हूँ। भाभी ने मटका तब्दील कर दिया, पक्के की जगह कच्चा मटका रख दिया। जैसे ही पानी में रखा फौरन डिसॉल्व हो गया। अल्लाह, तुम्हारा मटका कराची की सड़कों की तरह निकला, पानी में फौरन डिसॉल्व हो गया। नहीं सोनी, अपनी भाभी पे नजर रखा करो। फिर तुमने क्या किया? करना क्या था, मटके पे लानत भेजी, रक्षा की और आगे। जब ऐसे ही आना था तो पहले आ जाती। सोनी और सुनाओ, कैसी हो तुम? महीवाल, हाँ? मुझे एक बात बताओ। पूछो। तुम मेरे लिए ताजमहल बनवाओगे ना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं ताजमहल कैसे बनवा सकता हूँ तुम्हारे लिए? 800 रुपए ली तो मेरी तनख्वाह है, 600 रुपए अम्मा को देता हूँ, 200 रुपए मुझे जेब खर्च मिलता है। और आज तो मेरे पास ये लाइसेंस शो में आने का किराया भी नहीं था, पुलिस की मोबाइल से लिफ्ट लेकर आया हूँ। हाँ, ये सोचने की बात है, मैंने बड़ी चालाकी से काम लिया। मैंने कहा ये पुलिस वाले सीधी बातों में नहीं आएंगे। मैंने कहा एक जगह डेढ़ मन हीरोइन मौजूद है, मैं उसकी निशानदेही करना चाहता हूँ। कह लगे बैठो पीछे, उनको बिठाया और यहाँ ले आया। जब यहाँ पहुंचे कह लगे हीरोइन कहाँ है? पीछे फिल्म की शूटिंग हो रही थी। मैंने कहा ये रही हीरोइन? कह लगे लेकिन ये तो फिल्म की हीरोइन है, तुम तो कह रहे थे डेढ़ मन हीरोइन मौजूद है। मैंने कहा फिल्म की है तो क्या हुआ, तोल कर देख लो, पूरे डेढ़ मन की निकले। तुम कितने समझदार, कितने चालाक हो। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैं तुम्हारे लिए सोनी दुनिया से टकरा सकता हूँ। तो तुम मुझसे शादी कर लो। दुनिया से टकरा सकता हूँ, तुमसे नहीं टकरा सकता। तो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, तुम बेवफा हो, हर जाए हो तुम। नहीं, मेरी वफा पे शक मत करो सोनी, खुदा के वास्ते। हाय मर गया, ये क्या हो गया तुम्हें महिमान? एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? नहीं सोनी, कुछ भी नहीं हुआ। हम जब भी मिलते हैं तुम्हें भूख बहुत लगती है। हाँ। हमें बाप पैसे नहीं होते। मैंने कहा आज भी तुम्हें भूख लगेगी, पैसे थे नहीं, मैंने अपने बाजू के कबाब बनाए तुम्हारे लिए। तो तुम कितने अच्छे हो, तुमने तुमने मेरे लिए अपने बाजू के कबाब बनवाए। आज तेरे को छोड़वानी में मारवाल के बच्चे छोड़वानी आज मैं तेरे को। क्या मसला है भाई साहब, क्या बात है, आप मुझसे बात करें। आप अभी बीच में जा जाओ, बोल जाओ उसको छोड़वा आज मैं। क्यों, क्या हुआ? मेरे होते हुए आप इससे टक्कर नहीं ले सकते, मुझसे पहले टकराना होगा। और क्या, मैं गैरतमंद आशिक हूँ, अगर मुझ तक पहुँचना है तो तुम्हें सोनी की लाश पे से गुजरना पड़ेगा। गैरतमंद आशिक, छोड़ूंगा नहीं तुझे आज मैं। निकाल मेरे 350 रुपए, निकाल मेरे 350 रुपए निकाल। क्या हुआ, क्या, कैसे 350 रुपए? हाँ भाई क्या बताओ, रोजाना मेरी दुकान पे आके कबाब ले जाता है ये लड़कियों खिलाने के लिए। छोड़ूंगा नहीं, कहता पैसे कल दूंगा, आज मैं दे दूंगा पैसे, पैसे आज दूंगा मैं, मेरी बात सुन। कबाब से पैसे दे दे आपको। हेलो रांझा, हाँ तुम घर पे हो ना, मैं आ रही हूँ।
खवातीन हज़रात, अभी आप ये मॉडर्न खाका देख रहे थे सुनी महिवाल का, और अब मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से एक दफ़ा फिर गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं। शुक्रिया अदा करता हूं कि वो यहाँ तशरीफ लाए, और जो जीतने वाले हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। तमाम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इनामात दिए, और इस उम्मीद पर आपसे इजाज़त लेता हूं कि अगली दफ़ा जब कभी तीसरी कुरानदाजी होगी और उसके इनामात होंगे, तो जैसा कि अज़रा ने आपसे कहा, इनामात की तादाद ज़्यादा हो सकती है, और वो सिर्फ उसी सूरत में जब आप ज़्यादा से ज़्यादा टेलीविज़न लाइसेंस बनवाएं, क्योंकि लाइसेंस बनवाना पैसे का ज़िया नहीं बल्कि एक कौमी फरीज़ा है। मोइन अख्तर को इजाज़त दीजिए, साथ अज़रा तिर्मिज़ी को भी। खुदा हाफ़िज़, शब्बे खैर, पाकिस्तान जिंदाबाद।